ক্লাউড গুলোকে সরিয়ে দেয় যাতে বৃষ্টিটা না নামে, ফার্মাররা কোনো কাজ করতে পারবে না। এখন অন্য ধরনের একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, সবাই রিসার্চ করছে। আমরা জানি না, দেখলাম তো যে ইন্ডিয়া অনেকগুলো ইনস্টিটিউট কিন্তু একই সঙ্গে রিসার্চ। স্বাগতম সবাইকে বিচারিকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে ওয়েদার রিপোর্ট করার জন্য। তুমি কি আবহাওয়ার কোনো নিউজ দেবে? আমি আবহাওয়ার নিউজ দেব না, কিন্তু আবহাওয়াকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় তার একটা নিউজ। তাপমাত্রা কত আজকে, সূর্যোদয় কখন, সূর্যাস্ত কখন যাবে, আজকে কোন বিভাগের তাপমাত্রা কত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন, বৃষ্টি হবে কিনা, আজকে রৌদ্রোজ্জ্বল থাকতে পারে, বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। যাই হোক, আমরা আজকে যে ভিডিওটি দেখতে যাচ্ছি সেই ভিডিওটির টাইটেলটি হচ্ছে হাউ চায়না ইজ স্টিলিং ইন্ডিয়াস রেইন চায়না তিয়ান হে ওয়েদার মডিফিকেশন প্রোগ্রাম এক্সপ্লেইনড ইউপিএস। আর ভিডিওটি আমরা নিয়েছি স্টাডি আইকিউ এডুকেশন থেকে। হ্যাঁ, টাইটেলটি অনেক লম্বা, কিন্তু এর মাঝখানে কিন্তু অনেক কিছু বলেছে, কিছু কিছু মিনিং আমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছি, আর বাকিটা চলো তাহলে ভিডিও থেকে দেখে আসি। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। दुनिया में किसी हरिकेन को मॉडिफाई करने का पहला एफर्ट अक्टूबर 13, 1947 में किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, द यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स, द ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च एंड द यूएस एयरफोर्स के पर्सनल द्वारा बनाई गई एक टीम ने हरिकेन किंग नामक चक्रवात को मॉडिफाई करने के एफर्ट्स किए थे। इसे यूएसए ने प्रोजेक्ट साइरस नाम से क्लासीफाई किया था, जिससे अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट विंसेंट जे शैफियर ने लीड किया था। मकसद था कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया जाए और विंसेंट द्वारा 1946 में डेवलप की गई वेदर मॉडिफिकेशन की एक मेथड को एक्चुअल हरिकेन पर टेस्ट किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत फ्लोरिडा से की। यदि वो इस वेदर मॉडिफिकेशन के टेस्ट में सक्सेसफुल होते तो ह्यूमैनिटी को एक नई एरा की शुरुआत देखने को मिलती। हालांकि एफर्ट्स जारी रहे और हम इस मेथड को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो करती जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से हम सूखा रोक सकते हैं, वाइल्ड फायर्स को रोक सकते हैं और क्रॉप डिस्ट्रक्शन को बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मेथड्स का यूज़ करके क्या हम एक्चुअली रेन्स जब चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, बारिश ह्यूमन लाइफ के लिए एक क्रूशल नेचुरल इवेंट है। जब ये रुक जाता है तो बड़े बड़े हैबिटेट्स, सिटीज़ और फार्म्स ख़त्म हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, एंशियंट टाइम से ही बारिश करने या रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक लॉर्ड इंद्रा हैं जो बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। आज भी गांव में बारिश के लिए प्रेयर्स देखने को मिल जाती हैं। बुक्स, लिटरेचर और लेजेंड्स हैं जो बारिश के होने न होने और रोकने तक की कहानियाँ बताते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस की मदद से आज ये करना रियलिटी है कि हम आर्टिफिशियली बारिश करवा सकते हैं। चाइना के कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हासिल किए हैं और वेदर मॉडिफिकेशन और आर्टिफिशियल रेन्स की तरफ ये टेक 2025 तक डिप्लॉयबल हो सकती है। दोस्तों, चाइना की ये सक्सेस इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आज के इस वीडियो में हम क्लाउड सीडिंग, इसके होने वाले इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। हम बाकी देशों की डेवलपमेंट्स को भी देखेंगे, पर क्योंकि चाइना इंडिया की विसिनिटी में है और आर्टिफिशियल रेन्स को लेकर उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए हम चाइना को डीपली डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आदर्श गुप्ता, ओके। क्या आपको भी वेडिंग डे या किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन में बारिश होने का डर रहता है और तब आप सोचते हैं कि शादी का दिन एक परफेक्ट ब्लू स्काई और रेन फ्री हो? सोचिए कि एक लग्जरी ट्रैवल कंपनी ये प्रॉमिस कर सकती तो। वेदर मॉडिफिकेशन की कॉमनली यूज्ड क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स है। ये टेक्निक किसी भी इवेंट से पहले बारिश को स्टिमुलेट कर इम्पॉर्टेंट दिनों पर बारिश के ना होने का एश्योरेंस दे सकती है। क्लाउड सीडिंग रिपोर्टली कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस की 2012 में हुई वेडिंग और 2008 बीजिंग ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज में बारिश को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी शादी इवेंट्स के अलावा उन प्रोसेस से जुड़ी हुई है जो प्लैनेट और ह्यूमन और बाकी स्पीसीज की वेलबींग गवर्न करती हैं। डिकेड्स तक माली से लेकर थाईलैंड जैसे पार्ज्ड यानी सूखा ग्रसित देशों ने पानी की कमी, सूखा और तपती गर्मी के बीच क्लाउड सीडिंग से बारिश कर राहत पाई है। यूनाइटेड स्टेट्स में रॉकी माउंटेन्स, सियरा नेवाडा और कई माउंटेन्स इलाकों में क्लाउड सीडिंग 1950s से ही डिप्लॉयड है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन को कहते हैं।
हालांकि नॉट सो सिंपल लैंग्वेज में इसे वेदर मॉडिफिकेशन, रेन मेकिंग और मैनमेड परसेप्शन एनहेंसमेंट भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्लाउड्स पर स्पेशल एयरक्राफ्ट रॉकेट्स और ज़मीन पर ही डिस्पर्जन डिवाइसेस की हेल्प से सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स स्प्रे किया जाता है। ये सॉल्ट पार्टिकल्स कोर की तरह काम करते हैं, जिन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, ये कोर का काम है कि वाटर वेपर जो क्लाउड में पहले से मौजूद है उसे एक दूसरे की तरफ खींचना, ताकि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाए, जिससे रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हो। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि क्लाउड सीडिंग यानी रेन मेकिंग टेक्नोलॉजी की जड़ें 1946 तक जाती हैं। विंसेंट शेफर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था और उन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल स्नोफॉल देखा था। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को इसके इंसेप्शन के बाद अब तक काफ़ी डेवलप किया गया है। शेफर को 1946 के बाद से स्नोमैन कहा जाने लगा। टीम काम करती रही और बाद में बर्नार्ड वोनेगट ने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। आज दोस्तों, कोर के लिए ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जा सकती है। पहली बार के इस सक्सेसफुल मैनमेड स्नोफॉल के बाद से ग्लोबली साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट पॉपुलर होती गई। 2017 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने एक सर्वे में पाया कि क्लाउड सीडिंग एक्टिविटीज़ प्राइमरीली वाटर शॉर्टेज के कारण सोसाइटल नीड्स और एग्रीकल्चर पर पड़ने वाले इफेक्ट को लेकर की जाती हैं। आज दोस्तों, करीब 56 देशों में क्लाउड सीडिंग के एक्टिव प्रोग्राम्स हैं। इनमें से एक भारत है। दोस्तों, चाइना हिस्ट्री में सबसे बड़े आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट की फाउंडेशन तैयार कर रहा है। इस एफर्ट के साथ चाइना तिब्बतन प्लेटू रीजन में एक्स्ट्रा रेनफॉल इंड्यूस करने के अटेम्प्ट्स करेगा। चाइना ने रिसेंटली अपना वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम एक्सपेंड करने की बात की है। इस प्रोग्राम के अंडर वो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड को कवर करेगा, जो इंडिया के साइज से करीब 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की थी और प्लान था कि 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाकों में आर्टिफिशियल रेन्स इंड्यूस करना है, लेकिन इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर तियानहे नाम दिया गया। ये एक मैंडरिन वर्ड है, इसका मतलब है स्काई। इस प्रोजेक्ट में रिपोर्टेडली तिब्बतन माउंटेन्स यानी इंडिया के करीब टेंस ऑफ थाउजेंड्स फ्यूल बर्निंग चैम्बर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे रीजन में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होगी। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ली फैनपे ने कहा कि तिब्बत में वेदर मॉडिफिकेशन चाइना के वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम के लिए एक क्रिटिकल इनोवेशन है। फैनपे ही ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल चाइना के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बल्कि वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी और एंटायर ह्यूमन रेस की वेलबींग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत में बनाए जाने वाले चैम्बर्स क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में वाटर मॉलिक्यूल्स को रेन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होने वाले कोर सॉल्ट्स यानी सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये सॉल्ट्स रेन इंड्यूस कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे एक रिसर्चर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया था कि तिब्बत, शिनजियांग और कई इलाकों में एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए 500 बर्नर्स डिप्लॉयड हैं। उसने SCMP को कहा कि डेटा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहा है। ब्लूमबर्ग में दिसंबर 2020 में एक ओपिनियन पब्लिश हुआ था, जिसमें बीजिंग द्वारा नवंबर 2020 में किए गए एक ऑपरेशन का जिक्र है। इस ओपिनियन पीस के मुताबिक बीजिंग से 300 माइल्स साउथ से एक पिकअप ट्रक के ऊपर 16 आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे। ये ऑपरेशन रिपोर्टेडली जुए काउंटी मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो ने ऑर्डर किया था, जो लोकल ड्रॉट की सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने के मोटिव से किया गया था। ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। रॉकेट्स के लॉन्च होने के अगले 24 घंटे तक काउंटी यानी उस टाउन ने 2 इंचज रेनफॉल रिसीव की। इससे ड्रॉट कम हुआ, फॉरेस्ट फायर्स का रिस्क कम हुआ और एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई, ऐसा लोकल ऑफिशियल्स ने रिपोर्टेडली बताया। लेकिन चाइना का प्लान शॉकिंग है। चाइना 2025 तक कंट्री के 60% हिस्से को रेन मेकिंग कैपेबिलिटीज से कवर करने का एम लेकर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में चाइना ने 1980s में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और सैटेलाइट से लेकर रॉकेटरी के एफर्ट्स को बूस्ट किया है। चाइना के एनुअल डैमेज में करीब 70% मेट्रोलॉजिकल कैलमिटीज डैमेजेस का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में कंट्री इन कैलमिटीज के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। रीसेंट डिकेट्स में चाइना वेल्दी हुआ है और अर्थ अल्टरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे 3 जॉर्जेस डैम फेवर्ड सॉल्यूशन बन गए हैं, लेकिन कई लोग कन्विंस नहीं हैं कि इतने बड़े इलाके में चाइना आर्टिफिशियल रेनफॉल प्लान कर रहा है। स्पेशली इसलिए क्योंकि हमें
क्लाउड सीडिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि क्लाउड सीडिंग ब्रॉडर सेंस में वेदर पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करती है। अब तक जो एफर्ट्स थे वो छोटे स्केल पर रहे हैं। कैरनी क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग गवर्नेंस इनिशिएटिव के जियो इंजीनियरिंग रिसर्चर जैनोस पैसेटर ने गिज़मोडो वेबसाइट से बताया कि ऐसे वेदर मॉडिफिकेशन रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रादर उन्होंने कहा कि ये किसी इलाके में रेन होने देते हैं, इसका मतलब है कि किसी दूसरी जगह बारिश नहीं होगी। इसका इमीडिएट मतलब ये है कि जो बारिश किसी और इलाके में होनी थी वहाँ बारिश नहीं होगी। दोस्तों यही जैनोस की बात सच है तो चाइना के स्काई रिवर एफर्ट्स का मतलब है कि तिब्बतन प्लेटू में बारिश करवाने के लिए चाइना बहुत बड़ी मात्रा में क्लाउड्स को डाइवर्ट करेगा। इस प्रॉब्लम के साथ एशियन कंट्रीज का कन्फ्रंटेशन तो होना तय है, पर इंडिया पर सीवियर वाटर क्राइसिस होने की संभावना है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है। दोस्तों यूएसए साइंटिस्ट शेफियर ने क्लाउड सीडिंग की और स्नोफॉल किया। इसके करीब 6 साल बाद यानी 1952 में इंडिया ने रेन मेकिंग फील्ड में अपने हाथ आजमाए थे। जी हाँ, केवल चाइना ही नहीं बल्कि इंडिया ने 1952 में क्लाइमेटोलॉजिस्ट एसके बनर्जी की मदद से क्लाउड सीडिंग टेक पर काम किया था। बनर्जी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले इंडियन डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने सिल्वर आयोडाइड को हाइड्रोजन फिल्ड बैलून्स में फिल कर जमीन से ही बादलों में छोड़ा था। टाटा फर्म्स ने क्लाउड सीडिंग एफर्ट्स वेस्टर्न घाट रीजन में 1951 में कैरी आउट किए थे, जिसमें उन्होंने ग्राउंड बेस्ड सिल्वर आयोडाइड जनरेटर्स यूज किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM पुणे में करेलियन क्लाउड फिजिक्स रिसर्च RCPR यूनिट ने 1956 रैंडमाइज्ड वार्म क्लाउड मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स नॉर्थ इंडिया में किए थे। 60s के बाद 3 दशकों तक इंडिया ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में इस डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट्स किए। 2018 में क्लाउड सीडिंग रिसर्च को इंडिया में बूस्ट मिला जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। IITM पुणे की 2018-19 की रिसर्च पर जल्द ही वाइट पेपर सामने आएगा, जिसमें क्लाउड सीडिंग और रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट होंगे, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पास क्लाउड सीडिंग का एज सच नेशनल प्लान नहीं है, पर अब तक ₹45 करोड़ इस पर खर्च हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन डिजाइन किया है जिसे क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन और प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून एरोसॉल क्लाउड प्रेसिपिटेशन इंटरैक्शंस पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों चाइना के तेजी से इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से इंडिया को चिंता करने की ज़रूरत है। इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हर साल देखने को मिलती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और पॉल्यूशन से लेकर ड्रॉट की सिचुएशन बनती रहती है। ऐसे में तिब्बत में बनाए जा रहे स्काई रिवर प्रोग्राम से यदि इंडियन पेनिनसुला में आने वाले मॉनसून इफेक्ट होगा तो फ्यूचर ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कई बातें अब भी समझना है। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट ने वेदर मॉडिफिकेशन रिसर्च में क्रिटिकल इश्यूज हाईलाइट किए थे, जिसमें क्लाउड सीडिंग में सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को एड्रेस करने की बात की गई थी। दोस्तों इन इश्यूज़ के लिए क्या किया जा सकता है, देखते हैं अगले सेगमेंट में। दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स डाल सकती है। US गवर्नमेंट इस टेक के शुरू होने के बाद से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। इस टेक को USA के करीब 23 स्टेट्स में ऑपरेशनल बनाया गया है। यहाँ तक कि USA ने लेट 1960s और अर्ली 70s में वियतनाम वॉर में एनमी ट्रूप मूवमेंट्स को रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन्स का यूज़ किया था। करेंटली श्रीलंका से लेकर UAE और कई देश इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और कई घटनाओं का सामना कर रहे हैं। रिसेंटली UAE ने क्लाउड सीडिंग कर रेन्स तो इंड्यूस किए, पर रिपोर्टेडली अचानक हुई बारिश इंडिया में IIT कानपुर, इसरो एफिलिएटेड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और IMD के साथ गवर्नमेंट की कई एजेंसीज क्लाउड सीडिंग पर काम कर रही हैं। स्टडीज़ में इन्वेस्टिगेशंस की मांग की गई है ताकि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड सीडिंग को क्वांटिफाई करने पर होने वाले इम्पैक्ट समझे जा सके। पर जैसा कि चाइना करने जा रहा है, इस मैसिव स्केल पर यदि वेदर से छेड़छाड़ होती है और ग्लोबली क्लाइमेट पर इम्पैक्ट होता है तो उसे काउंटर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इससे नेबरिंग रीजन से रेन स्टीलिंग जैसे आरोप आने वाले वक्त में सामने आएंगे। वियतनाम वॉर में USA के आर्टिफिशियल रेन यूजेज के बाद क्रिटिसिज्म हुआ और 1978 में कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन ट्रीटी इफेक्ट में आई थी। चाइना ने ये ट्रीटी को 2005 में रेटिफाई कर तो लिया है,
पर अब भी मैसिव स्केल पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को पुश कर रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी के यूनिलेटरल यूज़ यानी किसी एक देश के द्वारा यूज़ को रोक कर मल्टीलेटरलिज्म की ओर बढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस में वेदर मॉडिफिकेशन को भी ऐड करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है दैट चाइना इज स्टीलिंग रेन्स फ्रॉम इंडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लाउड सीडिंग আমি এটা কিন্তু শুনেছি, কিন্তু কখনো কিন্তু ওটা এভাবে রিয়লাইজ করিনি যে এটা আসলে হচ্ছে, এই বিষয়টা ঘটছে। না, আমি আসলে শুনেছি যে ক্রিকেট খেলার সময় এগুলো করে, যে ক্লাউড গুলোকে সরিয়ে দেয় যাতে বৃষ্টিটা না নামে, এরকম। মানে বৃষ্টিটা আগেই ঝরিয়ে ফেলানো হয়, অথবা আগে ঝরিয়ে ফেলে, এরকম একটা ব্যাপার আমি শুনেছি মা লোক মুখে, কিন্তু কখনো এই ব্যাপারটা নিয়ে পড়াশোনা করা হয়নি, জানা হয়নি, বা বিস্তারিত কারো কাছে জানা হয়নি। এখানে দেখে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা আসলে অনেক সিরিয়াস, কারণ তুমি মনে করো যে আমার দেশের বৃষ্টিগুলো মেঘগুলো টেনে নিয়ে চলে গেল, কারণ এটার কাহিনী হচ্ছে যে একজন আরেকজনের মেঘটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দুই একটা মেঘ আরেকটা মেঘকে টেনে নিয়ে এক জায়গাতে নিয়ে ফেলছে। তো আমার এখানে যদি কোনো মেঘ থাকে, আমাদের এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, বৃষ্টি ছাড়া কিন্তু তোমার কোনো ফিল্ডে কাজ করা যাবে না। হ্যাঁ, তো ফার্মাররা কোনো কাজ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে যদি আমার বৃষ্টিটাকে টেনে নিয়ে আরেক জায়গায় ফেলানো হয়, আর আমার এখানে তো শুষ্ক মরুভূমি হয়ে যাবে পরবর্তীতে, এটা এখন অন্য ধরনের একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এটা ব্যাপারটা অনেক সিরিয়াস, এখানে দেখে তো মনে হলো যে ব্যাপারটা আসলে অনেক সিরিয়াস। এবং এই বিষয়টা অনেক আগে থেকে ঘটছে, মানে 1945 সাল থেকে এই ঘটনাটা ঘটছে, মানে রিসার্চ চলছে। হ্যাঁ, আর রিসার্চ চলছে আরো আগে থেকে। এবং আমেরিকা তখনই প্রথম হচ্ছে তাদের যে রিসার্চটা ফলপ্রসূ করে, এবং তখন কিন্তু তারা যেটা করছিল যে স্নোফল করেছিল, এন্ড পরবর্তীতে যেমন এটা যুদ্ধে কিন্তু কাজে লাগিয়েছে, এটা একটা কিন্তু বলা চলে যে অন্যায় রোল ছিল। হ্যাঁ, ভিয়েতনামের যুদ্ধে লাগিয়েছে। তো এরকম যদি করে সবাই, মনে করো যে সবাই সবার আকাশ থেকে মেঘটাকে টেনে নিয়ে এসে নিজেদের ওখানে ফেললো, তখন কিন্তু আসলেই প্রবলেম। বিশেষ করে সৌদি আরব কিন্তু আমরা দেখেছি যে সবসময় কিন্তু শুষ্ক, বাট রিসেন্টলি আমরা কিছুদিন আগে শুনেছি যে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে। তো এখন মনে হচ্ছে যে সেটা কি এটার দ্বারা তৈরি করা কিনা, সেটা হ্যাঁ কৃত্রিম কিনা সেটা বুঝতে পারছি না। এবং দুবাইও বৃষ্টি হয়েছিল, যেটা আমরা শুনিনি, মানে আগে কখনো শুনিনি, হঠাৎ করে শুনেছি। তো এখন এটা হতে পারে, এটা তো আসলে আর্টিফিশিয়াল হতে পারে। এখন তো আমি কনফিউজ আসলে কোনটা আর্টিফিশিয়াল রেন এবং কোনটা আসলে রিয়েল রেন, কারণ এখন বৃষ্টি হয় হঠাৎ করে এবং বৃষ্টিটা আবার চলে যাচ্ছে। সো হতে পারে আর্টিফিশিয়াল, হ্যাঁ এটাও হতে পারে, হতে পারে প্রাকৃতিক, আমরা কি করে জানবো যেটা হচ্ছে। কিন্তু এতে আমাদের সুবিধা অসুবিধা দুইটাই আছে। হ্যাঁ, যেখানে খরা সেখানে যদি আর্টিফিশিয়াল রেনটা করা হয়, ইটস ওকে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে আমার দেশের যে রেন, এটাকে কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন চায়না যে প্রজেক্টটা করেছে, এর থেকে কিন্তু শুধু যে ইন্ডিয়ার ক্ষতি হবে তা না, এটা কিন্তু আমাদেরও ক্ষতি হবে, কেননা আমরা একই জায়গায়। এখনো কিন্তু কেউ রিসার্চে ফাইনাল কোনো কিছু ডিসিশন দেয়নি যে এটাতে তাদের উপরে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে। হ্যাঁ, এটা ধারণা করা হচ্ছে যেহেতু টেনে নিয়ে যায়, সেই কারণে হয়তো বা এটা হতে পারে যে তাদের ওখানেও বৃষ্টি কমে যেতে পারে, খরা দেখা দিতে পারে। তো এটা হতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের মানে রিসার্চটা শেষ হয়নি, চলছে। আর এটা প্রজেক্টটা চায়না শুরু করবে 2023 সালে সম্ভবত। না, প্রজেক্টটা অলরেডি শুরু হয়েছে, মানে তারা ওয়ার্কে নামবে। হ্যাঁ, এবং 25 সালের মধ্যে তারা এটা ফাইনালি ফাইনালাইজ করে যে প্রপার ওয়ার্কে লাগবে। হ্যাঁ, প্রপার ওয়ার্কে নামবে। কিন্তু এখনও এটার যে ইম্প্যাক্ট, সেইটার রিসার্চের রেজাল্ট আসে নাই। যেহেতু আমরা ইম্প্যাক্টের রেজাল্ট আসে নাই, আমার মনে হয় না যে বিশ্বের বড় বড় দেশের উচিত হবে এটা নিয়ে আসলে কাজ করার। আগে ইম্প্যাক্টটা জানতে হবে যে আমরা যখন এই সিস্টেমটাকে ইউজ করব, তখন আমাদের নেগেটিভ কী কী ইম্প্যাক্টগুলো আমাদের। অবশ্যই কেউ বসে নেই নিশ্চয়ই এটা নিয়ে, অনেকেই রিসার্চ করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সবাই রিসার্চ করছে। দেখলাম তো যে ইন্ডিয়া অনেকগুলো ইনস্টিটিউট কিন্তু একই সঙ্গে রিসার্চ করছে এই। আমরা জানি না বলে কিন্তু যে এটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে না বা কেউ করছে না, এটা কিন্তু না। অনেকেই রিসার্চ করছে, এবং ইউএসও কিন্তু রিসার্চ করছে যে তারা আরও এটাকে কীভাবে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। এবং দেখলাম যেটা সে 52টার মতো দেশ কিন্তু এগুলো অলরেডি ব্যবহার করছে বা করেছে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে সবাই হয়তো ফলপ্রসূ, সবার জন্য হয়তো ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, আবার অনেকের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে সেটা।
তো ওভারঅল এটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম যে নতুন করে। তো আমরা চাই অবশ্যই এই বিষয়টা কাজে লাগুক এবং ভালো কাজে লাগুক। এখন যদি এমনটা হয় যে অন্য দেশে সম্পূর্ণ ম্যাকটা আরেক দেশ কেড়ে নিয়ে গেল, এটা অবশ্যই কোনোভাবে পজিটিভ হবে না। আর সেক্ষেত্রে এখন দেখা যাবে যে নতুন আরেকটা চুক্তি হবে যে কোনো দেশের মেয়ে কেউ নিতে পারবে না, যেমন আমরা যেমন সব বিষয়ে যেমন চুক্তি করি, এখন দেশ টু দেশ কিন্তু চুক্তি হবে। অবশ্যই হতে পারে যে এই দেশের মেয়ে কিন্তু অমুক দেশ টানতে পারবে না, শুধু তার দেশের মেয়ে টেনে এনে সে এখানে ফেলতে পারবে, এটা হতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু সামনে এই রুলস হয়তো বা চলে আসবে। হ্যাঁ, বাট জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেন্সিটিভ আমার কাছে মনে হয়। এটা নিয়ে যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আছেন বা বিভিন্ন দেশ যারা এটা নিয়ে রিসার্চ করছে, তাদের আরও বেশি করে এটা সম্পর্কে রিসার্চ করা উচিত এবং মানুষকে জানানো উচিত এই ব্যাপারটা সম্পর্কে। আমরা যেমন জানি না, এরকম আরও হাজার মানুষ আছে যারা জানে না ব্যাপারটা। আমার কাছে মনে হয় যে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু জানানো উচিত। আর ভিডিওটি খুব ইনফরমেটিভ ছিল এবং আমাদের খুব ভালো লেগেছে, আমরা ইনফরমেশনগুলো জানতে পেরেছি। আর আজকের এই ভিডিওর উপর আমাদের রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।